गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम ऑल ऑफ योर इन इंग्लिश क्लास। चिल्ड्रेन, टुडे आई विल टीच यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 14, अ क्रिसमस गिफ्ट ऑफ लिंकनशायर। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट वॉज नाउ नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक अ स्मॉल मॉडल ऑफ द विंडमिल विद द सेल्स। अब यह इसाक के लिए बहुत कठिन नहीं था एक छोटा सा मॉडल बनाना विंडमिल का, जो विद द पाल, जिसे जो सेल से यानी कि पाल से बनाया जाता है। हिज अमेजिंग क्रिएशन वॉज अ सोर्स ऑफ एडमायरेशन फॉर वन एंड ऑल। और इसका आश्चर्यजनक क्रिएशन जो उसने बनाया मॉडल, वो सबके प्रशंसा का कारण बना, यानी कि सब लोग उसकी बहुत तारीफ किए। ही प्लेस दिस विंड मिल मॉडल ऑफ ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। और उसने इस विंड मिल को घर के छत पर रख दिया। लेटिंग द विंड टर्न इट्स सेल, और जिससे कि उसका सेल जो है पाल हवा में घूम सके। सिंस द मूवमेंट ऑफ द विंड वॉज अनसर्टेन, लेकिन हवा घुमाव बहुत सही नहीं था। ही बिगैन टू वर्क हिज मॉडल बाय एनिमल पावर। अब वो इस वर्क को, इस काम को एनिमल्स के शक्ति के से बनाने लगा, मतलब वो एनिमल का पावर भी यूज करने लगा उसके लिए। ही कनेक्टेड अ काइंड ऑफ ट्रेडमिल टू दिस मशीनरी। उसने इस मॉडल में एक बड़ा सा पहिया लगा दिया, जिससे वो कनेक्ट कर दिया, जिससे हवा में बहुत अच्छे से घूम सके। विच वॉज रन राउंड बाय द माउस टू सेट द व्हील इन मोशन, जिससे जब माउस रन करे तो वो व्हील अच्छे से घूमे। इसाक्स नेक्स्ट आइडिया वॉज टू मेक अ क्लॉक विच वर्क ऑन वाटर। इसाक का दूसरा आइडिया, दूसरा विचार था बनाने का एक घड़ी जो कि पानी में काम करे। ही टुक अ गुड साइज वुडन बॉक्स एंड फिटेड इट अप विद द डायल एंड हैंड्स। उसने एक लकड़ी का बड़ा सा, अच्छे साइज का बड़ा सा बक्सा लिया और उसमें डायल और हैंड्स, सुइयां और फेस उसका घड़ी का फिट कर दिया। द क्लॉक वॉज, और उसने सेट कर दिया कि जब पानी की क्वांटिटी थोड़े से पानी ड्रॉप करेगा तो वो घूमेगा धीरे धीरे। विच ही रेगुलेटेड डेली, जिससे वो रोज उसको नियंत्रित करता था, रोज उसको देखता था। He turned out to be the useful clock and was used by the whole family for many। उसने बाद में इस घड़ी को एक फैमिली घड़ी बना दिया, जिससे कई सालों से उस परिवार के लोग इसको यूज़ किए थे। He also made a little carriage on four wheels। उसने एक गाड़ी बनाई जो कि चार पहियों पर चलती थी। Which could be worked by a person sitting inside। और वो तभी काम करती जब कोई इसके अंदर बैठे, उस गाड़ी के अंदर बैठता था तभी वो गाड़ी चलती थी। Did this not prove to be a worthwhile as it could only move on smooth plain ground। और यह अच्छे से काम नहीं कर पाया, उचित नहीं रहा काम कर, यह मतलब अच्छा साबित नहीं हुआ, और जो कि सिर्फ चिकने रास्तों पे रस चलता था। He made paper lantern and kites which were the envy of everyone। बाद में उसने पेपर के लैंटर्न और काइट्स बनाए, जिससे जिसको देख कर सभी लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, नहीं उनका काम बहुत अच्छा था। हिज वेल डिजाइंड ड्राइंग वर येट अनदर ऑफ हिज क्रिएशन। उसके अच्छे प्रकार बनाए गए ड्राइंग जो थे बहुत उसका अच्छा क्रिएशन था, अच्छा कार्य था। हिज स्कूल फ्रेंड्स वर हार्डली ऑफ एनी ग्रेट इंटरेस्ट इन टू इसाक। उसके स्कूल के दोस्त शायद ही बहुत मुश्किल से उसके इसाक के काम में इंटरेस्ट लेते थे। हिज रियल फ्रेंड वॉज अ लिटिल गर्ल। उसकी सच्ची दोस्त एक छोटी सी लड़की थी, 3 years younger to him, जो कि उससे 3 साल छोटी थी। She was living in the same house in which he lodged। और वह उसी घर में रहती थी जिसमें कि इसाक रहता था। They both felt delighted in each other's company। और वे दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत अच्छा फील करते थे, बहुत खुश रहते थे। His friendship with little Miss Story lasted all his life। और इसकी ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती उसके जीवन के अंत तक रही, यानी अंतिम तक उसके साथ रही। When he was 14, his stepfather died and the family went back to live at the old manor house of Woolstrop। और जब वो 14 years का था, 14 साल का था, उसके सौतेले पिता की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, और फिर परिवार अपने पुराने पैतृक हाउस में रहने चला गया वुलस्टॉप पे। इसाक वॉज ब्रॉट होम टू सो दैट ही माइट सेट टू वर्क एंड लर्न
टू द वर्क ऑफ फार्मर, और इसाक को घर लाया गया जिससे वो काम सीख सके और खेती का भी फार्मिंग का भी काम हो जान जाए। इसाक हैड नो इंटरेस्ट इन फार्मिंग एंड प्रूव टू बी अ फेलियर, और इसाक को फार्मिंग में खेती में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया और इसमें बिल्कुल वो अपने आप को असफल साबित कर दिया, फेलियर साबित कर दिया। बोथ द बॉय एंड द फार्म सफर, जिससे कि लड़के वो इसाक और उसका खेत दोनों ही सफ़र करता था, दोनों ही को परेशानी होने लगी। एंड सो हिज मदर हैड टू लेट हिम टू गो टू स्कूल एंड प्रिपेयर फॉर द यूनिवर्सिटी, और बाद में उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने को दिया जिससे आगे पढ़ सके, यूनिवर्सिटी में जा सके। शी थॉट देयर माइट बी समथिंग इन हिज स्ट्रेंज आइडिया, वो सोचती थी कि इसके अद्भुत विचारों में कुछ जरूर है जो आगे बढ़ चल के बहुत अच्छा काम करेगा। एंड हिज फायर्स लव फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, और वो कुछ अच्छा कैलकुलेशन करेगा, कुछ अच्छा कार्य करेगा। द पाथ वॉज नाउ स्मूथ फॉर इसाक टू फॉलो, और उसका आगे का रास्ता बहुत साफ था, बहुत अच्छा था जिसको वो आगे अच्छा कर सके। अंटिल वन डे इट लेड हिम टू दिस वंडरफुल डिस्कवरीज, और उसके इस डिस्कवरी से, आश्चर्यजनक डिस्कवरी से, खोज से संसार को जिसने रोशनी दी। हिज नेम दस अपियर इन द लिस्ट ऑफ ग्रेट मैन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जीनियस, अब उसका नाम जीनियस लोगों में गिना जाने लगा, अब वो एक महान न्यूटन के नाम से जाना जाने लगा। सो चिल्ड्रेन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।